हेलो एवरीवन वेलकम टू के स्टडीज आज है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ हुए ट्वेंटी फोर लिस्ट पब्लिस्ड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उस भारतीय उद्योगपति का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2024 में प्रकाशित फोर्ब्स की भारत के सौ सबसे अमीर लोगों की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी गौतम अरानी सुंदर पिचाई या फिर रोशनी नादर मल्होत्रा आपको बताना है कि फोर्ब्स द्वारा जो जारी हुई है भारत के सौ सबसे अमीर लोगों की सूची उसमें प्रथम स्थान पर कौन है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सो फर्स्ट प्लेस पर है मुकेश अंबानी आप देख सकते हैं Mukesh Ambani chairman and managing director of Reliance Industries Limited has retained the top spot on Forbes India 100 Richest 2024 list with an estimated net worth of 119.5 billion dollar across diversified assets up by 27.5 billion US dollar compared to 92 billion in 2023 इसके साथ ही गौतम अडानी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं जो कि चेयरमैन हैं अडानी ग्रुप के और इनकी जो नेटवर्थ एस्टिमेटेड है वो है 116 बिलियन डॉलर एंड ही फॉलोड बाय सावित्री जिंदल द ऑफ द ओपी जिंदल ग्रुप विद द नेटवर्क ऑफ 43.7 बिलियन यहाँ पर टॉप टेन जो भारत के सबसे अमीर लोग हैं उनकी सूची दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद रेफरेंस टू द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट यहाँ पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं आपको बताना है कि उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सी ए क्यू एम इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी सेकेंड ऑल द डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स बाय द कमीशन आर ऑफ बाइंडिंग नेचर एंड थर्ड द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन आप ध्यान रखेंगे यहां पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बाकी दोनों ही करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं सो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विद एक्सपर्टीज इन इन्वयरमेंटल मैटर्स So CAQM oversees air quality management in the national capital region and adjoining areas, coordinating effort across states to ensure compliance with population control measures. The CAQM has the power to impose fines, issue directives, and recommend legal actions against entities violating air quality norms. आप ध्यान रखेंगे कि ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश किया गया था अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अंडर विच वन ऑफ द फोलोइंग मिनिस्ट्रीज डज द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी ऑपरेट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कार्य करता है आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आप देख सकते हैं द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स And it is a government agency in India responsible for regulating the prices of pharmaceutical drugs and medical devices to ensure they are affordable and accessible to the public. So it is periodically adjust drug prices based on changes in the wholesale price index to reflect economic conditions. So you dekha that a government regulatory agency. पावर ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया और इसको स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेल्ही में और आपने देखा कि यह वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर दिल्ली रिज से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अदेंशन ऑफ द अरावली रेंज सेकेंड इट एक्ट एज अ वाटर सेट डिवाइडिंग टू प्लेन्स एंड थर्ड इट कवर्स द इंटायर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली रिज से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है आप देख सकते हैं The Delhi Ridge is a part of the Aravalli range one of the oldest mountain ranges in the world stretching across states like Delhi Haryana Rajasthan and Gujarat The Delhi Ridge functions as a watershed dividing the Indus plain to the west from the Gangetic plain to the east and it does not cover the entire national capital territory of Delhi so it is divided into four distinct parts, which Shamil hai, northern ridge, central ridge, south central ridge, and southern ridge. And it does not encompass the entire territory. The, the Delhi Ridge is a biodiversity hotspot and home to a variety of plants and animals, including over 100 species of birds, jackals, Indian crested porcupines, mangoes, and other wildlife. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर व्हाट इज दी टू कॉस्ट रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सी क्या दर्शाता है आपके ऑप्शन हैं पेड आउट कॉस्ट फॉर इनपुट्स इंक्लूड्स अनपेड फैमिली लेबर कॉम्प्रीहसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट एंड कैपिटल इंटरेस्ट या फिर नन ऑफ द अब और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सो यहां पर सी टू का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट एंड कैपिटल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं सो थ्री कॉस्ट प्रोजेक्शन जिसमें शामिल है ए टू ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू सो ए टू इज पेड आउट कॉस्ट फॉर इनपुट्स लाइक सीड्स लेबर एंड फर्टिलाइजर्स ए टू प्लस एफ एल अनपेड फैमिली लेबर एंड सी टू इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट एंड कैपिटल इंटरेस्ट यूज एज अ बेंच मार्क रेफरेंस इसके साथ ही एमएसपी की बात करें तो एमएसपी एस पी इज द मिनिम प्राइस फॉर सेलेक्टेड क्रॉप रेज इन खरीफ एंड रवि सीजन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्स एज रेमेडिव फॉर फार्मर्स एंड हेन्स डिजर्व सपोर्ट सो द इंडियन गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस फॉर अबाउट टू डजन कमोडिटीज ट्वाइस अ ईयर एंड एमएसपी इज फिक्सड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस An apex advisory body for pricing policy under the Ministry of Agriculture. Next question Who has been appointed as the chairperson of the National Commission for Women? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर अर्चना मजुमदार विजय राहतकर निर्मला सीतारमण या फिर स्मृति ईरानी और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सो ये हाल ही में नियुक्त किया गया है विजया राहतकर को आप देख सकते हैं विजया राहतकर हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड सी प्रीवियसली सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड ऑल्सो हेल्ड द पोजिशन ऑफ मेयर ऑफ औरंगाबाद इसके साथ ही डॉक्टर अर्चना मौजूदार की बात करें तो सी हैज बिन अपॉइंटेड एज अ द एनसीडब्ल्यू अलोंग साइड हर एनसी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफ फॉर वुमेन एंड इट एम्स टू रेकमेंड रिमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स टू सिक्योर वुमेन्स राइट एंड प्रमोट देयर वेलफेयर सो आपने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये एक इंस्टीट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1992 एंड द फर्स्ट हेड ऑफ द कमीशन वॉज जयंती पटनायक वर्तमान समय में अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वोमेन वो है विजया राहत खट राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सो so, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब